आप सभी लोगों का स्वागत है एक बार फिर से केजे क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। हाँ जी, थंबनेल आपने बिल्कुल सही पढ़ा, जीएसटीआर 9 और 9C के लिए नए रूल आ चुके हैं फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22। तो इसे डिस्कस करने के लिए हमने अपने यूट्यूब चैनल पर बुलाया है श्री शिवा गोयल जी को। शिवा गोयल जी, आपका बहुत बहुत वेलकम। शुक्रिया सर, शुक्रिया। वैसे तो मैं आपको बता दूं कि भाई जो फाइनेंशियल ईयर 21-22 की जीएसटीआर 9 और 9C है उसकी जो लास्ट डेट है 31 दिसंबर है, लेकिन फिर भी बहुत सारे लोगों को जल्दी से काम निपटाने की आदत होती है। तो इन्होंने नोटिफिकेशन डालकर ये चीज बता दी कि अगर आपकी टर्नओवर अप टू 2 करोड़ से तो आपको 9 नहीं भरनी है, और साथ में फॉर्म में भी बता दिया कि भाई क्या क्या चेंजेस इस फॉर्म में हम कर रहे हैं जिससे कि आप अपनी तैयारी कर लो, क्योंकि 21-22 का साल खत्म हो चुका है। तो 9 और 9C में कुछ बदलाव करे हैं सर इन्होंने, और कुछ बदलाव बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है। तो अगर आप 9 और 9C अभी नहीं भर रहे, लेकिन अगर आपको तैयारी करानी है कि भाई 9 9C की तैयारी कैसे करें, क्या क्या डिटेल्स इस बार मैंडेटरी है, तो आप अभी से उसकी तैयारी कर सकते हैं। तो सर बताएं कि क्या क्या चेंजेज है। वैसे मैं आपको बता दूं, पोर्टल पर अभी फाइनेंशियल ईयर 21-22 का फॉर्म नहीं आया है, ठीक है। हमने पूछा क्यों नहीं आया, उन्होंने कहा अभी तुम 31 जुलाई तक ITR में बिजी हो, अभी 9 9C दे देंगे तुम्हें हार्ट अटैक आ जाएगा, ठीक है। तो कह रहे हैं कि बाद में देंगे, तब तक हमने जो चेंजेस बताए हैं, ठीक है, वो पढ़ लो, वो समझ लो और उसकी तैयारी कर लो। तो सर बताए क्या क्या चेंजेस इसमें है। तो GSTR 9 जैसा कि कपिल जी ने अभी बताया, एनुअल रिटर्न 21-22 की नोटिफाई हो चुकी है, पोर्टल भी अभी नोटिफाई नहीं हुई है, एक्टिव नहीं हुई है, इट विल टेक सम टाइम। तो GSTR 9 में कुछ चेंजेस प्रपोज किए गए हैं, थोड़े से चेंजेस है, अभी हम 2 से 5 मिनट के अंदर अंदर इसको कवर अप कर लेंगे। तो पहला कपिल जी, आपने बताया कि 2 करोड़ तक के लिए ऑप्शनल है, तो क्या ऑप्शनल वालों को भरनी चाहिए या नहीं भरनी चाहिए? सर देखो, मेरा मानना यह है कि वहां पर ना ऑप्शनल वर्ड नहीं लिखा, वहां पर नोटिफिकेशन में जो वर्ड लिखा जाता वो लिखा गया एग्जेम्प्ट। तो अगर कोई चीज एग्जेम्प्टेड है तो मेरा व्यू पॉइंट है कि उसे नहीं फाइल करनी चाहिए, अगर अप टू आपकी 2 करोड़ से। अगर ऑप्शनल होता तो आप भर सकते थे, लेकिन वर्ड्स अगर आप वहाँ पे देखोगे नोटिफिकेशन में, वो वर्ड्स एग्जेम्प्टेड यूज करते हैं। तो अगर कोई चीज एग्जेम्प्ट हो गई, मैं इसे रिलेट करता हूँ सेक्शन 11 से। तो जब सेक्शन 11 में हम किसी चीज को एग्जेम्प्ट कर देते हैं, तो इसका मतलब ये नहीं होता कि मैं गवर्नमेंट से बोलूँ कि लो जी मैंने तो टैक्स कलेक्ट कर लिया, अब आप ले लो, ऐसा नहीं होता। तो मेरे हिसाब से नहीं फाइल करनी चाहिए। तो GSTR 9 में 20-21 ऑलरेडी जा चुका है, 21-22 के लिए 3 से 4 अमेंडमेंट आई है। तो आइए हम देखते हैं, सबसे पहले अमेंडमेंट जो आई है वो आई है टेबल 5 में। टेबल 5 के जो डी ई और एफ एग्जम्प्टेड नील रेटेड और नॉन GST सप्लाई के जो कॉलम थे, उसमें से 5F को कंपलसरी कर दिया गया, मैंडेटरी कर दिया गया कि आपको नॉन GST सप्लाई मेंशन करनी पड़ेगी। और सर ई और जो डी और ई था उसमें पहले क्या होता था, डी और ई और एफ में जो भी है अगर आप सेग्रीगेट नहीं कर पा रहे तो वह आप एग्जम्प्टेड में दिखा दीजिए। राइट राइट। अब क्या किया गया, एफ को तो कंपलसरी कर दिया गया, और डी और ई में कहा गया अगर आप डी और ई की एग्जम्प्टेड और नील रेटेड की अलग अलग बाइफर्केशन दे सकते हैं तो वेल एंड गुड है, नहीं तो आप कंसोलिडेट करके दोनों को और एग्जम्प्टेड 5D में दिखा दीजिए। 5F कंपलसरी है और 5D में आप डी और ई का इकट्ठा डाल सकते हैं, एग्जम्प्टेड और नील रेटेड का। तो सर ये तो है पहला चेंज। जैसा कि अगर आपको पता होगा, जब आप ITC का बाइफर्केशन करते हैं तो इन्होंने ये चीज बोली हुई है कि भाई अगर आपने ITC कैपिटल गुड्स पे लिया है तो उसे तो हमें इकट्ठा दिखाओ, अलग से दिखाओ हमारे को, और अगर आपका इनपुट और इनपुट सर्विस का उन दोनों को मर्ज करके इनपुट में दिखा दो। तो यहाँ पर इन्होंने बोला कि नॉन GST सप्लाई, अगर आपका कोई पेट्रोल प्रोडक्ट्स है, इस तरह का आपकी कोई सप्लाई है, हालांकि इस पे भी सर काफी विवाद रहा है कि नॉन GST सप्लाई में एल्कोहलिक लिकर आएगा या पेट्रोल प्रोडक्ट आएगा, लेकिन हम उस मुद्दे पर नहीं जा रहे। अगर आपकी कोई भी नॉन GST सप्लाई है, नो सप्लाई है, या Schedule 3 की सप्लाई है जिसे लोग कहते हैं कि यहाँ पर रिपोर्ट होनी है, आपको वो मैंडेटरी यहाँ पर रिपोर्ट करनी पड़ेगी। और अगर आपकी और नील रेटेड है, क्योंकि इन दोनों में भी सेक्शन का ही फर्क है, अगर किसी ने सेक्शन 9 से नोटिफिकेशन करके उसे नील रेट दे दिया वो नील हो गई, अगर सेक्शन 11 से एग्जेम्प्ट कर दिया तो वो एग्जेम्प्ट हो गई। तो इनमें कंफ्यूजन रहता है, तो
आप डी और ई को क्लब कर सकते हैं और एफ को आपको मैंडेटरी सेपरेटली दिखाना पड़ेगा। और कपिल सर अभी आपने देखा भी होगा 3B में भी इन्होंने इन चीजों की रिपोर्टिंग को बड़ा स्पेसिफिक कर दिया, जिसपे आपकी अभी एक वीडियो आई थी अभी पहले, जिसमें आपने बड़ा डिटेल में बताया था कि आज के टाइम पे हमें रिपोर्टिंग प्रॉपर करनी पड़ेगी क्योंकि सेंट्रल और स्टेट को सेटलमेंट करने में थोड़ी दिक्कतें आ रही थी, इसलिए इन रिपोर्टिंग को मैंडेटरी किया गया है। नेक्स्ट चेंज जो आया है वो डायरेक्टली आया है और वो बड़ा पेनफुल चेंज आया है आप सबके लिए, वो आया है टेबल नंबर 17। तो यूजर्स हमारे सोचेंगे सर हमें तो 10, 11, 12, 13 तक का पता है, जहां पर हम जो डिटेल हमने 21, 22 में रिपोर्ट नहीं की लेकिन हमने उसको अप्रैल से सितंबर 2022 तक में कवर किया है। सर पिछले सालों तक तो हम वहां तक की टेबल देखते थे, हम तो सर टेबल 15, 16, 17, 18 को कभी देखा ही नहीं, हमें पता ही नहीं 15, 16, 17, 18 क्या होती है। तो आज इस बार फाइनेंशियल ईयर 21-22 में टेबल नंबर 17 को इन्होंने मैंडेटरी कर दिया है, जो HSN वाइज समरी है आउटवर्ड सप्लाईज की। जी हाँ, जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से ज्यादा उनके लिए 6-डिजिट HSN कोड मैंडेटरी है, और जिनके टर्नओवर 5 करोड़ से बिलो है उनके लिए 4-डिजिट HSN कोड मैंडेटरी है। वो डिटेल्स आपको देनी पड़ेगी टेबल नंबर 17 में, GST 9 में, फाइनेंशियल ईयर 21-22 में। ये आपके लिए थोड़ा सा इन्होंने बर्डन बढ़ा दिया है। बिल्कुल कपिल जी, पिछले 4 सालों से हम ये एग्जम्पशन एंजॉय कर रहे थे, हाँ जी, लेकिन आज ये एग्जम्पशन हमसे ले ली गई है और हमारा काम थोड़ा सा बढ़ गया है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपकी फाइनेंशियल ईयर 21-22 की बुक्स क्लोज हो गई हैं तो आप अपनी आउटवर्ड सप्लाई को HSN वाइज कर लें, क्योंकि इन्होंने पहले GSTR 1 में भी रिलैक्सेशन दे रखी थी, अब इन्होंने GSTR 1 में भी सख्ती करी, तो अब इन्होंने कहा भाई GSTR 1 में तो आपने दिखाई होगी तो आप अब क्या करो 9 में भी ऐसे दिखा दो। हालांकि इन्होंने जो इनवर्ड सप्लाई है उसके लिए अभी ऑप्शन दिया है कि भाई इनवर्ड सप्लाई की अगर आपकी HSN वाइज समरी रेडी नहीं है मत दो हमारे को, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आउटवर्ड सप्लाई आपको देनी ही पड़ेगी। और आउटवर्ड सप्लाई जनरली इजिली प्रिपेयर हो जाती है, इनवर्ड हो सकता है कि 1000 इनवर्ड्स हो, 1000 इनपुट सर्विसेज तो बड़ी मुश्किल आती है, तो आपको इतनी ज्यादा बर्डन फील करने की भी जरूरत नहीं है, इजिली ये समरी प्रिपेयर हो जाएगी और आप इसको पहले से ही प्रिपेयर कर लें, अपने ऑडिट फाइनलाइजेशन के टाइम पे ही ये सारा प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपको GST 9 से भरने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। इसका मतलब क्या है, 2 बड़े चेंजेज है। इसके अलावा सर 9 और 9C में कोई और चेंजेज है क्या? क्योंकि मैं जहां तक देख रहा हूँ उसके अलावा तो फाइनेंशियल ईयर जहां पर 20-21 था उसकी जगह 21-22 हो गया, जहां पर अप्रैल टू सितंबर 20-21 था वहां पर 21-22 हो गया, वो चेंजेज है। क्या इसमें और कुछ आप कहना चाहते हैं? बस यही चेंजेस है जो अभी डिस्कस हुए हैं, और ये नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 के पैरा नंबर 12 और 13 में चेंजेस है। तो बाकी सब जगह जो चेंजेस है टेबल्स में वो सिर्फ ईयर चेंज किया गया जैसा अभी कपिल जी ने बताया, और टेबल पैरा नंबर 13 में 9C में सिर्फ ईयर चेंज किया गया है। और मैंडेटरी जो चेंजेस है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ, वो 5F नॉन GST सप्लाई आप दिखाएंगे, DE को इकट्ठा आप D में दिखाएंगे एग्जम्प्टेड में, और टेबल नंबर 17 जो डिटेल ऑफ HSN वाइज आउटपुट समरी है वो आपकी मैंडेटरी कर दी गई है। इसके अलावा सब चीजें एज इट इज है सेम है। और अगर आप देखोगे पोर्टल पर अभी 21-22 के लिए फॉर्म नहीं आ रहा है तो इन्होंने इतनी पहले क्यों दे दिया कि आप मेंटली प्रिपेयर हो जाए, आप अपनी ITR भर रहे हो कुछ भी कर रहे हो तो डेटा आप अपना मेंटेन कर ले, HSN वाइज कर ले, और अगर उसमें नो सप्लाई है ठीक है ना उसे भी डेटा को निकाल ले, और अगर फिर भी कोई दिक्कत आपको आती है तो आप हमारी GSTR 99C की सर एक स्पेशल पेन ड्राइव हमारी होती है तो आप उसमें 99C की हमारी पेन ड्राइव ले सकते हैं, और हम अपनी आने वाली मैगजीन में भी इन चीज़ों को कवर अप करेंगे जिससे कि आपको आसानी रहे अपने सारे वर्क को करने के लिए। तो सर इसमें और कुछ कहना चाहेंगे? नहीं सर, यही है कि एनुअल रिटर्न का काम जितना साथ साथ टैक्स ऑडिट के हो जाए, रिकोर्स बन जाए, तो आपकी चीजें और इतनी स्ट्रीमलाइन हो जाएंगी और आप जल्द से जल्द GST 9 और 9C को भी फाइनल कर पाएंगे, ये अलग प्रोजेक्ट नहीं बनेगा। चलिए आशा करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा है तो कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें बताना कि ये कैसा लगा, और अपने दोस्तों को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, और डरने वाली कोई बात नहीं है, सिर्फ 2 ही चेंजेज है। इस वीडियो को देखने के लिए हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं, थैंक यू फॉर वॉचिंग।